हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 3 तारीख 16/4/2021 जिसमें हम आज सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि भटूरे बनाने की विधि पूरी कैसे बनाए जाते हैं और उसमें सूक्ष्म जीवों का क्या रोल होता है और वो फूल कैसे जाते हैं। इसी तरह और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे किण्वन या फर्मेंटेशन का इस्तेमाल होता है, वो सभी आज की हम वर्कशीट में करेंगे। तो इसमें आज बताया गया है कि पिंकी एक बच्ची है, उसका जन्मदिन है, लेकिन उसके दादाजी ने कोविड के चक्कर में बाज़ार से कोई चीज़ लाने से मना कर दिया, तो उसकी मम्मी ने घर पे ही भटूरे बनाने की क्या प्रयत्न किया। तो उनकी मम्मी ने क्या किया है कि मैदा लिया, ठीक है, मैदा लिया, चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर। यीस्ट पाउडर बच्चे मार्केट में मिल जाता है, छोटे छोटे सफ़ेद दाने होते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है कि गुनगुने पानी के अंदर चीनी और यीस्ट को हम घोल लेते हैं और फिर उसको जो आटा है उसमें मिलाते हैं और आटे को अच्छे से नरम गूंद के रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो हम कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि वो फूल जाता है, ठीक है। तो ये क्यों फूल गया, उसकी मम्मी ने भटूरे बनाए थे तो बहुत अच्छे लगे उसे, लेकिन ये आटा फूला क्यों, हमारे जो भटूरे हैं इतने नरम क्यों बने, वो इसलिए बने कि जो यीस्ट है एक सूक्ष्म जीव है और जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं जिसमें टेम्परेचर भी ठीक है और खाने के लिए शुगर भी है तो ये फर्मेंट करता है, किण्वन करता है और जनन करके उनका नंबर बढ़ जाता है और ये सब श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये आटे में फंस जाती है, उसे फुला देती, राइट। तो इस तरह आपका आटा फूल जाता है और आपके भटूरे नरम नरम बनते हैं। और यह विधि और कई खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, केक, पेस्ट्री, डोसा, इडली और ये ढोकला, जहाँ जहाँ पे भी चीज़ आपको स्पॉन्जी दिखाई देती है वहाँ पे फर्मेंटेशन या किण्वन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किण्वन क्या है कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो विधि है इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। तो आपके इस चित्र में देखो जो भटूरे का आटा लगाया गया है, फिर भटूरे बनाए गए हैं और नीचे आपका कई चीज़ें खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, सिरका और सब अचार, ये सब दिखाया गया है कि इन सब में किण्वन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज किण्वन की प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। ये तो आप लिख सकते हो बेटा, किण्वन क्या है, शर्करा का अल्कोहल या एस्टिक एसिड में बदलने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है, फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर ने 1857 में की थी। नाउ किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखो। तो मैंने कुछ तो जो आपकी वर्कशीट में है, उसके अलावा आप अपनी सोच से भी लिख सकते हो, जैसे इडली, डोसा, ढोकला, इन सब में किण्वन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सूक्ष्म जीव प्रक्रिया में इस्तेमाल में सहायक होता है, यीस्ट, ठीक है, जिसे हम यीस्ट कहते हैं। अपनी मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तु के नाम लिखिए जहाँ किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। ये सेम उन्हीं का नाम लिख दीजिएगा। ऊपर की गई विधि में आटा क्यों फूल जाता है इसका कारण लिखिए। ये भी इसी में एक्सप्लेन किया गया है कि उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो यीस्ट जनन करती है और फिर वो सभी श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं जो आटे में फंस के उसे फुला देती है, राइट। तो होप आपको ये सारा
आज किण्वन के बारे में समझ आ गया होगा। और ये प्रश्न आप अपनी कॉपी के अंदर करके और मेरे को उसकी PDF भेज देंगे। थैंक यू सो मच बच्चे, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, फॉलो कोविड रूल्स। थैंक यू।